सो हे गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं पेंट की प्रोफेशनल तरीके से चैन फ्लाई बनाना। दोस्तों, बिल्कुल कम समय में इस फ्लाई की स्टिचिंग हो जाती है। इस फ्लाई को बटन फ्लाई भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी बेल्ट में अंदर की तरफ से बटन लगती है, तो इसको बटन फ्लाई भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पेंट के दोनों पल्लों को बनाकर तैयार कर लिया है। इन पल्लों पर हम ये लिख लेंगे कौन सा पल्ला हमारा राइट वाला है, कौन सा पल्ला हमारा लेफ्ट वाला है। जब दोस्तों हम पेंट की पूरी कटिंग कर लेते हैं, तो ये जो कपड़ा है फिलाई का हमारा साइड से निकल आता है। तो दोस्तों, इस कपड़े में हम मार्क लगा लेंगे कौन सा हमारा सीधा है, उल्टा हमें पता रहेगा। अब दोस्तों, इस वाले पल्ले में से हम सिर्फ एक पल्ला उठाएंगे, इसमें केवल हम लेफ्ट साइड की फ्लाई को बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस कपड़े को रखा है और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगा देंगे, बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। इसको पलट लेंगे, पलटने के बाद दोस्तों हम इस पर लपकी सिलाई लगाएंगे। लपकी सिलाई लगाने के बाद हम एक सिलाई और बीच से लगा लेते हैं। हमें इस फिलाई की जो चौड़ाई रखनी है वो 1.5 इंच रखनी है। तो इस तरीके से हम 1.5 इंच रख के इसको बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे और इसके नीचे के मार्जिन को भी हम कट कर देंगे। जब हम इसको अटैच करेंगे तो हमारी ये फिलाई बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाती है। अब दोस्तों, हम किस तरीके से पल्ले में अटैच करते हैं, तो ये हमारी लेफ़्ट साइड की फ़िलाई है, जहाँ से हमारे लेफ़्ट साइड की पल्ली में चटका लगा हुआ है वहाँ से हम फिलाई को रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर अटैच कर देंगे। ऊपर से हम इसमें लपकी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे लेफ़्ट साइड पल्ले की फिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब दोस्तों, हम दूसरे साइड की फ़िलाई बनाएंगे, राइट साइड की फ़िलाई। इसी में हमारी सेल्फ फ़िलाई बनती है, तो इसके लिए हमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। तो ये कपड़ा हमने लिया है 4 इंच चौड़ा, इसको हम उसी आकार में काट लेंगे जिस आकार में हमारी फ्लाई कटती है। अब दोस्तों, चैन को लेंगे, चैन के नीचे वाला हिस्सा हम क्रॉस में कर लेंगे और इस तरीके से रखेंगे। हम दोस्तों कपड़े को हल्का सा इसमें मोड़ेंगे, क्योंकि हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे जो कपड़े के फुचके हैं वो भी नहीं निकलेंगे। तो इस तरीके से हम इसको मोड़ देते हैं इसी में। अब दोस्तों, हम इसको पल्ले में किस तरीके से अटैच करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो दोस्तों, इसको हम राइट साइड में अटैच करेंगे, फिलाई को हम नीचे रखेंगे। दोस्तों, ये जो चैन का नीचे लॉक देख रहे हैं आप और पल्ले में जहाँ से चटका लगा हुआ है, तो वहाँ से मिलाकर हम रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने के बाद हम दोस्तों एक सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे इसमें। दोस्तों, आपको बिल्कुल सिलाई सटाकर नहीं लगाना है। दोस्तों, थोड़ा सा हम गैफिंग रखेंगे सिलाई में, जिससे हमारी जो कड़िया है अप डाउन आसानी के साथ हो जाए। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। दोस्तों, इस तरीके से हमारे दोनों पल्लों में जो फिलाई है वो अटैच हो गई है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बेल्ट को लगाएंगे इसमें। दोस्तों, बेल्ट को हमने पहले से ही बनाकर रेडी कर लिया है। यदि दोस्तों आपको बेल्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना नहीं आता है, तो हम उस वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप बेल्ट को बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लूप्स के लिए निशान लगा लेंगे।
तो दोस्तों इस तरीके से हमारी दोनों बेल्टें कच्ची हो गई हैं, यानी अटैच हो गई हैं। अब दोस्तों ये जो बेल्ट है हमारी टिकट पॉकेट वाली, जिसमें हम सेल्फ फिलाई बनाएंगे, तो दोस्तों इसमें हम टिकट पॉकेट बाहर निकाल लेते हैं और जहाँ से हमारी टिकट पॉकेट है वहाँ से हम सिलाई पहले लगा लेते हैं बेल्ट पे, जिससे हमारी टिकट पॉकेट दबे ना। तो इस सिलाई को हम पूरी नोक तक लाएंगे दोस्तों। इसके बाद हम बेल्ट को पक्का करेंगे। तो इस तरीके से हम लब की सिलाई से बेल्ट को पक्का करेंगे। और दोस्तों जो हमारे लूप्स हैं वहाँ पर हम आधा इंच की टाकी बांधेंगे। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल एल टी टेलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बेस्ट वीडियो मिलती रहती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे ये पल्ला बनकर तैयार हो गया है। अब हम सिलाई की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक अस्तर का टुकड़ा लिया है, अस्तर के टुकड़े को हम नीचे रखेंगे और जो हमारे चैन सिलाई का पल्ला है उसको हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और इसमें हम पहले मार्किंग कर लेंगे कितनी हमें सेल्फ सिलाई बनानी है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है राउंड में। अब हम इसी मार्किंग पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने जो हमारा कपड़ा है उसको हमने कट कर दिया है और हम इसमें चटके लगा लेंगे। चटके लगाने से हमारी जो सिलाई है जो राउंड में कटी हुई है वो आसानी के साथ बैठ जाएगी। तो इसकी नोक हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने इसको पलट लिया है। पलटने के बाद दोस्तों ये जो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोस्तों इसमें सबसे पहले आप हुक लगा लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो हुक लगाएंगे तो भद्दा लगेगा, तो पहले से हुक इसमें लगा लें। और दोस्तों इस तरीके से हम इसको मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद दोस्तों हम इसे लब की सिलाई से पक्का कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी सेल्फ सिलाई बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों नीचे का मार्जिन हमारा अभी कच्चा है तो नीचे हम तुरफाई करते हैं। यदि दोस्तों आपको सिलाई लगाना है तो हम आपको सिलाई लगाना भी बता देते हैं। जहाँ से हमने सिलाई चैन में सिलाई लगाई हुई थी उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप तुरफाई करें तो बेहतर रहेगा, जिससे फिनिशिंग अच्छी लगती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।